जय मसीह की दोस्तों, साबत स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 7 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम मंगलवार का यह शीर्षक अध्ययन करेंगे। जो शीर्षक हमें दिया गया है वह है माफ़ करो और भूल जाओ, माफ़ करो और भूल जाओ। यह शीर्षक बहुत ही प्रसिद्ध एक शीर्षक है, ऐसा हम कह सकते हैं, जो हम इंग्लिश में कहते हैं फगिव एंड फगेट, है ना। तो अक्सर यह हमें सुनने में आता है कि एक इंसान अपने दोस्तों से या परिवार वालों से कहता है कि फगिव एंड फगेट, यानी माफ़ करो और भूल जाओ। कहने में तो ये बहुत आसान है, क्या करने में यह इतना आसान है? हम इस पाठ में, इस हफ्ते के, इस दिन के इस शीर्षक को हम अध्ययन करेंगे, जो हमें मैथ्यू के 18 चैप्टर वर्सेस 21-35 उसके ऊपर आधारित है आज का यह विषय। जब हम दूसरे लोगों को क्षमा करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? तो अगर हम मैथ्यू इस चैप्टर 18 चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो इसका हमें जवाब ज़रूर मिलेगा, तो ज़रूर पढ़िएगा। हमें उन सभी चीज़ों को समझना चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमें यीशु के कारण क्षमा किया है। तो सोचना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कौन सी चीज़ें हैं या क्या चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने, मैंने जो जो गलतियाँ की, जो बुरा काम मैंने मेरे जीवन में किया, वह सभी को परमेश्वर ने यीशु के लिए मुझे माफ़ किया है। तो हमें वह सोचना चाहिए। तो यह समझ अन्य लोगों को माफ़ करने के तरीके सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। तो अगर हमें किसी को माफ़ करना चाहिए तो पहले हमें यह समझ होनी चाहिए कि मैंने क्या क्या किया है और उन हर एक गलतियों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लिए, उनके लिए हमें कैसे माफ़ किया है। तो अगर यह समझ हमें मिलती है तो ज़रूर हम दूसरों को माफ़ करने में कोई हमें बेझिझक होकर हम ज़रूर उन्हें माफ़ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर कि हम सभी ने पाप किया है। ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं जो कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया। सभी ने पाप किया है, सभी ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमने अन्य लोगों के खिलाफ भी पाप किया है और स्वयं परमेश्वर के खिलाफ भी पाप किया है। हर पाप पापी होता है और हर पाप हमारे परमेश्वर के खिलाफ एक और पाप हो जाता है। और लेकिन यीशु के कारण हम परमेश्वर से अपने सभी पापों को क्षमा करने के लिए हम विनंती कर सकते हैं, उन्हें पूछ सकते हैं, हम उनसे प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। हमें इस अनमोल उपहार को अर्जित करने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ कोई कोशिश या कुछ अच्छा हमने किया ही नहीं कि हमें यह अनमोल जो उपहार है, जो क्षमा है, ये माफ़ी है जो परमेश्वर से हमें मिलती है, एक उपहार है। तो यह उपहार को पाने के लिए मैंने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया, यह समझ हमें होनी चाहिए। और ईश्वर यह माफ़ी कब देते हैं या किस लिए देते हैं? इसलिए कि कुछ चीज़ों के कारण वह देते हैं? जी नहीं, परमेश्वर हमें माफ़ी अपनी दया के कारण वह देते हैं, वह हमें दया के कारण ही क्षमा करते हैं, ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो इन बाइबल के सच्चाइयों को जब हम समझते हैं तो परमेश्वर की ओर से क्षमा का यह सही उपहार स्वीकार हम कर सकते हैं। तो इसकी समझ हमें होनी चाहिए। फिर हम उन लोगों को भी माफ़ कर सकते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुँचाई है, हमारे ज़िंदगी में कुछ गलत किया है जो हमें बहुत ही चोट पहुँचा चुकी है। तो उन सभी लोगों को हम ज़रूर क्षमा कर सकते हैं, ऐसा हम, और यह माफ़ी देना या क्षमा करना यह बहुत ही आवश्यकता है। और इसकी आवश्यकता क्यों है? अगर हम ऐसा एक प्रश्न पूछेंगे तो क्या हमें दूसरों को क्षमा करने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने क्षमा अर्जित की है, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे माफ़ किया तो मैं भी उसे माफ़ करूँगा? क्या ये माफ़ी एक गिव एंड टेक पॉलिसी, ऐसे थोड़ी होती है? मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि
नहीं, हम उन लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया। हाँ, अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो उसका वजह एक ही है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले माफ़ किया। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक दूसरे इंसान को भी जिसने मुझे चोट पहुँचाई है उसे माफ़ करूँ। सभी को क्षमा की आवश्यकता है, चाहे वो मैं या कोई और, सभी को यह माफ़ी, यह क्षमा बहुत ही आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। और यूसुफ अपने भाइयों को दूसरा मौका देता है। पहले ही हमने देखा कि किस तरह से यूसुफ ने उनके भाइयों को माफ़ तो किया, मगर अब उसे उन भाइयों को दूसरा मौका भी वह देना चाहता है। यूसुफ को लगता है कि उसके भाइयों ने पिछले दिनों में उसके साथ जो भी बुरा किया था उसके लिए उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं है। ठीक है, एक परिवार में जब हम प्रत्येक एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो क्या हम आराम से रह सकते हैं? क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं तो हमें पहले तो आराम नहीं मिलता और हम विश्राम से नहीं रह सकते, तो हम एक अच्छी शुरुआत, एक नई शुरुआत कतई नहीं कर सकते, है ना? ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम परमेश्वर की मदद से शुरू कर सकते हैं, हम परमेश्वर की मदद से शुरू कर सकते हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को उन बातों के लिए चोट नहीं पहुंचाई जो उन्हें उसके साथ की थी। उन्होंने जो कुछ भी यूसुफ के साथ किया था उसके बदले में उसने कोई भी बदला नहीं किया, कोई भी बुरा उनके विरुद्ध उसने किया ही नहीं, वह बस दया और क्षमा ही उनके तरफ दे रहा था। तो उसके अतीत को पीछे रखता है, तो वह क्या करता है, उसके अतीत को पीछे रखता है, जीवन के साथ आगे बढ़ता है और अपने भाइयों को स्वीकार करता है और प्यार देता है। अगर हमें माफ़ करना है और उसे भूलना भी है तो हमें यह चीज़ें ज़रूर करना चाहिए जो यूसुफ ने किया। यूसुफ ने क्या किया, अपने अतीत को पीछे रखा। तो अपने जीवन में कोई बुरा फीलिंग या किसी ने आपको जो कोई भी चोट पहुँचाए उस विषय को अपने दिल में पकड़ कर मत रखिएगा, अपने अतीत को दूर रखिएगा, उसे पीछे छोड़ दीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, उस इंसान को स्वीकार कीजिएगा और प्रभु का प्यार उनको दीजिएगा। सोचिए अगर यूसुफ के दिल में कुछ अलग ही भावना होती, क्षमा न करने की भावना, तो इस कहानी का अंत जो है बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता, बिल्कुल अलग होता, अलग अंत होता और खुशहाल कहानी तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो यह एक महान आशीर्वाद है। क्या एक महान आशीर्वाद है कि हम दूसरों को क्षमा करें। यह एक आशीर्वाद है। हाँ, हम दूसरों को जब क्षमा करते हैं वह एक अद्भुत आशीर्वाद बनता है, क्योंकि जब लोगों को उनके द्वारा किए गए गलतियों के लिए क्षमा किया जाता है, जब उनके पाप मिट जाते हैं, यह एक महान आशीर्वाद है। जो जब प्रभु लोगों को स्वीकार करता है मानो कि वे बिना पाप के हैं। प्रभु हमें कैसे स्वीकार करते हैं? मानो कि हम बिना पाप के हैं। क्या हम हमारे भाइयों और बहनों को जब हम क्षमा करते हैं, क्या हम उन्हें स्वीकार करते हैं कि हाँ उन्होंने जो भी गलतियाँ की उसे सभी को भूल कर क्या हम एक नए इंसान की तरह उन्हें स्वीकार करते हैं? जी, ज़रूर करना चाहिए। जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है, जैसे उन्होंने किया है हमारे तरफ, हमारे जीवन में, हमें भी अपने दोस्तों, हमारे भाइयों बहनों, हमारे परिवार सदस्य सभी को कोई भी चीज़ हो उसके लिए उन्हें क्षमा करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, प्रभु का प्यार उनसे बांटना चाहिए। यह सीख हमारे दिलों में हम रखेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।